देख रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, हमारे फ्यूचर प्लान्स क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, वो सब आपको नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम शुरू होगा तो आपको पता चलेगा। क्या ये लायंस क्लब की तरह चलेगा कि और ये ओनली मुंबई और पूरा इंडिया नहीं, ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको लेके जा रहे हैं और इंडिया और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे हम वर्क कर रहे हैं। अभी फिलहाल हमारा इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप चाहें तो केन्या है, अबू धाबी है, मस्कत है, ये तीन चार जगह पे, और यूके में कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो इसके ऊपर वर्किंग उन्होंने शुरू किया है। अगर इंडिया लेवल की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी नेक्स्ट मंथ में बॉम्बे में ही करीब 6 से 8 क्लब ओपनिंग हो रहा है, क्योंकि इतने सारे लोगों को हम यहाँ मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो उनका ओपनिंग हमने जान और फैमिली लिया है। इसके अलावा अगर आप काउंट करें तो पुणे है, नासिक है, गुजरात में वापी है, बड़ौदा, सूरत, यहाँ पे भी हमारी सब क्लब का काम ऑलमोस्ट पाइपलाइन में चालू हो चुका है, बट उनका हमें शेड्यूल फिट करना है कि कैसे कैसे हम उनको टाइम दे सकते हैं ओपनिंग का। तो इस तरह से ये सारी वर्किंग हमारी चालू हो चुकी है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या वर्क होगा इसमें, जैसे आपको हम बताएं कि जो भी वर्किंग हमने ऑलराउंड, जैसे हमने बताया कि इसमें हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, स्किल डेवलपमेंट है, इसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ के अंडर में हम ये पूरा वर्क कर रहे हैं। और प्लस इसमें से जो क्लब हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने कभी सोशल में काम नहीं किया होगा, ऐसे लोगों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनके कैंप हम रखने वाले हैं कि किस तरह से आप सोसाइटी के लिए वर्क कर सकते हो, किस तरह से आप नीडी पीपल तक पहुंच सकते हो, किस तरह से आप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हो, ये सारी ट्रेनिंग जिनको भी जरूरत है उनके लिए हम यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग ये सब का हम लोग यहाँ पे मेकओवर जिसको बोलते हैं, मेकओवर मींस नॉट ब्यूटी, मेकओवर मींस क्या है कि आपकी सोच, आपकी समझ और आप कितना पावर और कितनी स्किल से आप इसमें काम कर सकते हो, उसके लिए हम उनका बोलते हैं ना कि पूरे क्लासेस लगाएंगे, पूरे इसमें सेमिनार लगेंगे, तो इस तरह से हम उनको हेल्प करते हैं। नहीं, इसमें मिनिमम 18 इयर्स है, 18 इयर्स से कोई भी इसमें मेंबर्स बन सकता है, बाकी 90 इयर्स की भी कोई लेडी इसमें मेंबर बन सकती है, क्योंकि हमारा एक सीनियर सिटीजन डिपार्टमेंट टोटल अलग है, इसमें हमने अलग अलग जो डिपार्टमेंट रखे हैं उसमें हम सीनियर सिटीजन के लिए भी वर्क कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा ना कि जैसे ही अभी हमारा प्रोग्राम लॉन्च होगा, ओपनिंग होगा, तो PPT में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, पूरे मई तक के हमारे प्रोग्राम डिसाइड हो चुके हैं, जिसमें से अप्रैल में हम बहुत बड़ा शो करने जा रहे हैं, करीब 1500 सीनियर सिटीजन का, इसमें लाइव ऑर्केस्ट्रा हम करने जा रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन के लिए भी हम इसमें वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे टैलेंट शो हैं जो हम मार्च में इंटरनेशनल वुमेंस डे पे करने जा रहे हैं, जिसके अंडर में अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने 3 डेज का कार्निवाल रखा है, 6 तारीख से हमारा कार्निवाल शुरू होता है और 8 को ख़त्म होता है, 6 तारीख को हमने यहाँ पर एग्जीबिशन रखा है, जिसमें जो जो फील्ड के जो जो लोग यहाँ पर काम करते हैं या उनको ऐसा लग रहा है कोई ज्वेलरी मेकिंग में है, कोई डिज़ाइन ड्रेस डिज़ाइनिंग में है, ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो आगे अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक एग्जीबिशन रखा है। उसके अलावा बाहर की तरफ हमने करीब 60 फुट काउंटर रखा है, और वो 60 जो फूड स्टॉल है उसकी जो इनकम है वो हम लोग चैरिटी के लिए यूज़ करने वाले हैं। सेम हमने 7 तारीख को रखा है टैलेंट शो, स्किल डेवलपमेंट, तो जिसमें हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उसमें हमने सारे डांस कॉम्पिटिशन है, म्यूजिक है, सिंगिंग है, एक्टिंग है, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है और फैशन रेपो, ये सब हमने रखा हुआ है 7 को, और 8 को जो भी उसमें से विनर है उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और एक हमारे दो स्पीकर हम 8 को यहाँ पे बुला रहे हैं, तो इस तरह से हमने ये 6, 7, 8 का प्रोग्राम पूरा फाइनल किया हुआ है। तो इसकी पूरी डिटेल आपको अभी शुरू करेंगे तो मिल जाएगी, जैसे मई तक के हमारे पूरे प्रोग्राम है। हेल्थ अवेयरनेस में हम ये देने जा रहे हैं मेमोग्राफी, क्योंकि आजकल क्या है कि ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि लेडीज़ जो है वो थोड़ा अपने हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, ध्यान नहीं दे पाते, तो उनके लिए हम मेमोग्राफी है, उनका हेल्थ चेकअप है, जो कि बाहर कम से कम आज मेमोग्राफी के जो रेट आप देखेंगे तो कम से कम 3,000-4,000 ऐसे ही, लेकिन हम लोग यहाँ पे करीब करीब 500 से लेके 700-800 के बीच में हम उनको फिट कर रहे हैं। और हमारी जितनी भी हमारी मेंबर्स है सबसे पहले हम काम वो कर रहे हैं कि कैंसर और मेमोग्राफी ये सब टेस्ट करके हम उनको अवेयर कर रहे हैं। वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड क्लब के उसमें आज लॉन्चिंग है, उसके अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं, ऑलरेडी हम लोग एक दो महिला मंच चलाते भी हैं, तो
कमेटी ने सजेस्ट किया कि हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं, और लोग काफ़ी सामने से लोगों ने भी ये किया कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम इकट्ठे होके आज ये लॉन्चिंग पे ओके रेना मैम बातें तो बहुत होती है वुमन महिला चलिए मैडम नाम के साथ हाँ हाँ चलिए मैडम सबसे पहले अपना परिचय दें और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर कहते हैं मौका भी है दस मिनट के क्या कुछ कहेंगे जी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल एंड थैंक यू सो मच इतने ब्यूटीफुली हम आपसे कनेक्ट होने के लिए और मेरा नाम है भारती होसा अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर फॉर WWC और मैं बहुत थैंकफुल हूँ रीना मेहता जी के लिए क्योंकि उन्होंने मेरे पे इतना विश्वास करके मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया एंड वुमेंस के लिए जो मेरे अंदर एक एनर्जी है जो मैं 2 सालों से वुमेंस के ऊपर लेक्चर देती हूँ और उन्होंने वो मुझ में देखा और उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और ये प्लेटफॉर्म दिया तो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू वुमेंस वर्ल्ड क्लब एंड रीना मेहता जी और रीना बेन ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और हम आगे बढ़े उसका बहुत आभारी और एनीथिंग वांट टू से या द क्रिएटर क्रिएटेड यू टू क्रिएट दिस इज व्हाट द कोट आई हैव रेड 2-3 डेज बिफोर सो हमें हर एक क्रिएटर ने कुछ करने के लिए भेजा है बस आपको सिर्फ एनर्जी को देखना है और उस एनर्जी के साथ घूम देखना है और मोल्ड हो जाना है ताकि आप जो भी डिसाइड करना चाहो जो भी करना चाहो वो बहुत अच्छे से कर पाए जब ये एनर्जी हम में है तो क्यों नहीं हम ये चीज़ें हमारे वुमेंस में दें सारी लीडरशिप क्वालिटी हर एक लेडी के अंदर क्यों ना दें और बैलेंस रहना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में प्रोफेशनली एंड पर्सनली तो ये जो वुमेन वर्ल्ड क्लब जो प्लेटफॉर्म है ये बैलेंस के लिए है कि फैमिली के साथ बॉन्डिंग रखते हुए आप अपनी यूनिक एबिलिटी अपनी स्किल को कैसे डेवलप करते हैं सो दिस इज़ व्हाट द वुमेन्स वर्ल्ड क्लब ऑल अबाउट एंड आई एम रियली happy that I am have become a part of it. New Year resolution, yes, everybody has their unique quality and skills. So before having doubt in their mind कि मैं कुछ कर नहीं पाई तो एक बार सोचो take a pause, decide on it and work on it. Everything will be beautiful and just life is beautiful, enjoy it. मैडम आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत बेहतर है बहुत अच्छी है आप स्पीच भी यहाँ अच्छा देती हैं अच्छा महिलाएं इतना समय दे पाती हैं आपको सुन पाती हैं लायंस क्लब की महिलाएं या आपकी क्लब की महिलाएं इतना क्योंकि 4 महिलाएं जहाँ इकट्ठा हो जाती है वो किसी के सुनती नहीं आप चाहे कितना भी अच्छा आप बिठा दो कहीं भी तो रात निकल जाती है राइट तो ये जो नॉर्मली ये महिलाएं बहुत इंटरेस्टेड है और दे आर रेडी टू डेडिकेट देयर टाइम बस उनको हमें मोल्ड करना है कि टाइम को सही जगह कैसे यूटिलाइज करना है जैसे नॉर्मली लेडीज 4 लेडीज मिलती है तो गॉसिप की बात होती है राइट यहाँ हम 4 लेडीज को ऐसे बनाएंगे कि उनको ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ कर रहे हैं और वो इंस्पिरेशन बने और हमारा टैगलाइन बहुत ब्यूटीफुल है कनेक्ट सपोर्ट एंड इंस्पायर राइट सो ये जब हम कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से तो यहाँ सिर्फ एक ही बात होगी कि हम दूसरे को उठाएं क्यों नहीं उनको एक दूसरे को सपोर्ट क्यों ना करें और इंस्पिरेशन बने जब मेरे लिए इंस्पिरेशन रीना मेहता जी बनी मैं किसी के लिए इंस्पिरेशन बनती हूँ मैं भी चाहती हूँ कि मेरे जो नियर एंड डियर मेंबर्स हैं वो भी किसी इंस्पिरेशन बने और एक साल में तो हम डेफिनेटली ऐसा कुछ कर जाएंगे आप इंस्पिरेशन देखते होंगे चलिए मैडम आप कुछ ऐड करना चाहेंगे बस चलिए विश ऑल द बेस्ट थैंक यू चलिए पंखुड़ी मैम आपसे शुरू करते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस फंक्शन को लेकर कितने एक्साइटेड हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू द फाउंडर्स ऑफ दिस क्लब विच इज वुमेन्स वर्ल्ड क्लब WWC आई थिंक जब भी ऐसा कुछ होता है या ऐसा कोई फोरम क्रिएट होता है जिसके माध्यम से दूसरे लोगों की हेल्प करने का ऑब्जेक्टिव होता है आई पर्सनली आई थिंक आई फील प्रिविलेज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट पर्सनल लेवल पे भी आई ट्राई अ लॉट टू डू थिंग्स फॉर अदर्स समथिंग दैट आई शेयर लेटर बट लाइक आई सेड कि ऐसा कोई भी फोरम होता है कभी भी होता है तो आई एम मोर देन एक्साइटेड एंड मोर देन ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई एम गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट यू नो ऑफ दीज पीपल हु आर टेकिंग सच अ नोबल स्टेप सो कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम ऑफ WWC कंग्रेचुलेशन ऑन योर इनॉग्रेशन Hello everybody. Well, I'm here and I would like to congratulate everybody out here and I'm quite happy to be a part of WWC and I would just say I want everybody to be quite independent, liberal, modern as well and I want everybody to, you know, join
join WWC. That's how good. रजिया और क्या कुछ कहना चाहेंगे? रजिया अपना अपना पंगुड़ी रजिया सुल्तान के अलावा और क्या कुछ? अपने नाम इतना हैवी ले लिया है, तो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट कैरेक्टर, द कैरेक्टर दैट आई प्लेड, बट एक्चुअली फ्रॉम रजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया, यू नो, ऑफ द दिल्ली सल्तनत. सो सिर्फ एंड सिर्फ एक यही चीज, आई मीन इतनी ज्यादा वो है इन दैट एज जहां पे लोग सोच भी नहीं सकते थे कि एक लड़की पर्दे से बाहर आएगी, वो रूलर बन गई पूरे हिंदुस्तान. I think there is so much inspiration जो कि आपने बोल दिया, हम उसे draw कर सकते हैं. तो आज की date में जब हमारे पास सब कुछ available है, सारे means हैं, you know, society is इतना progress कर रही है, so I think there is no reason why there should be inequality between men and women, why women should feel inferior in any way, why you know they should stop themselves from doing what they really want because the society says something or because men say something or because they've you know grown up with a generation that has passed on those values. I don't see any reason. So I think that's one of the major objectives today for opening this kind of class. And this is why we are here, to create equal opportunities for the men and the women as well. आज के दौर में भी रजा नजर आएगी. Yes, definitely. और कुछ परफॉर्म वगैरह भी करने वाले हैं यहाँ पे? कुछ करने वाले. But I think she might give a speech. I will definitely. I'll speak in much detail about what I feel and how strongly I feel whenever it comes to, you know, standing up, women standing up for themselves and women standing up for their rights. It's actually a fight, yeah, for a woman actually. Yes, it is. It truly is. Parde pe Hima ji ne kiya tha Rajya, aur political mein aayi. To kya TV ki Rajya ko bhi hum politics mein dekhenge aage? That's very strange ki aapne mujhe pucha tha. यंग होते हैं तो मैंने अपने लिए एक लाइफ चार्ट बनाया था, विच वॉज ऑलवेज लाइक दैट आई वर्क इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, आफ्टर विच आई सेड कि ओके आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डू एक्टिंग एंड द नेक्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ इज गोइंग टू बी डेडिकेटेड टू पॉलिटिक्स बिकॉज आई एम वेरी नेशनल एट हार्ट, तो तभी हर चीज़ के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ. एंड वाई नॉट, अगर आई थिंक इन टुडेज डेट ऑलरेडी इतने सारे प्रोग्रेसिव लीडर्स हैं, बट आई थिंक अ लिटिल